जो भी दर्शक क्रिकेट देखना पसंद करे उनके लिए तो सभी मैच बहुत ही जोरदार होवे है, लेकिन इंडिया और पाकिस्तान का मुकाबला को मजे कुछ अलग है। भाई यहाँ देखा जावे तो इंडिया और पाकिस्तान का सबका सभी मैच जोरदार होवे और काटा का मैच होवे। तो आज मैं थाने बता सू एक अहम मैच के बारे में, जो मैच इंडिया और पाकिस्तान के बीच में हो। यो मैच इतना जबरदस्त हो जिको मैं भैया शब्द में कुछ कर सकूँ। थाना अगर मैं बताऊं तो मैं भैया तो MS धोनी को बहुत ही बड़ा फैन हूं। MS धोनी को क्रिकेट खेलने को अंदाज और कैप्टन कूल MS धोनी बहुत ही चोखो है। लेकिन इंडिया और पाकिस्तान का इस मैच में विराट कोहली को जय को खेल देखियो भी, खेल देखने के बाद में अगर MS धोनी के बाद में कोई खिलाड़ी मैंने चोखो लग गए तो वो है विराट कोहली। मैं बात कर रही हूँ इंडिया और पाकिस्तान के बीच में हो 2022 वर्ल्ड कप के बारे में। यो मैच 23 अक्टूबर 2022 ने मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड ऑस्ट्रेलिया में हो। इस मैच में टीम इंडिया कप्तानी रोहित शर्मा का हाथ में ही, रोहित शर्मा टॉस जीती और टॉस जीतकर पहले चोट बॉलिंग चुनी। इस वर्ल्ड कप में इंडिया और पाकिस्तान दोनों टीमों को यू पहला मैच है, तो पहला मैच दोनों टीमों ने जीतना बहुत ही जरूरी हो। पाकिस्तान की ओर से कप्तान बाबर आजम भी टाइम पर फॉर्म में बिल्कुल भी नहीं हो, तो पाकिस्तान की ओर से मोहम्मद रिजवान और बी को कप्तान बाबर आजम बैटिंग करने के लिए ओपनिंग में आया। बाबर आजम दूसरे ही ओवर में अर्शदीप सिंह को शिकार हो गो और इस मैच में बाबर आजम 0 रन बनाया और फिर पवेलियन चलते रहियो। बाबर आजम के बाद में मैदान पर आया हो मसूद मैदान पर टिके रहियो, लेकिन थोड़ी देर बाद में चौथे ओवर में मोहम्मद रिजवान भी 4 रन बना की वापिस पवेलियन लौट गो। मोहम्मद रिजवान का आउट होने के बाद में पाकिस्तान के लिए बैटिंग करना है आई अहमद, और आई अहमद और मसूद के बीच में 75 रन की पार्टनरशिप हुई और यह पार्टनरशिप पाकिस्तान की टीम ने एक बार फिर से पटरी पर ला दी। टीम इंडिया के लिए यह पार्टनरशिप तोड़नी बहुत ही जरूरी। तो रोहित शर्मा ने बॉलिंग के लिए बुलाया मोहम्मद शमी ने, और मोहम्मद शमी 12वें ओवर में आई अहमद को विकेट निकाल की टीम इंडिया ने एक और सफलता दिलाई और मैच में वापसी कराई। यू विकेट निकालने के बाद में पाकिस्तान का अगला कुछ विकेट भी जल्दी ही गिर गया और पाकिस्तान मात्र 159 रन ही बना सकी। पाकिस्तान की टीम के लिए सबसे ज्यादा रन आई अहमद और मसूद ने बनाया। आई अहमद 34 बॉल में 51 रन की पारी खेली और बिकस आ गई मसूद 42 बॉल में 52 रन की पारी खेल के नाबाद रही। टीम इंडिया के लिए अर्शदीप सिंह और हार्दिक पांड्या दोनों ने 3-3 विकेट आपके नाम किया। तो इस वीडियो में बस इतना ही, अगले वीडियो में आप बात करेंगे इंडिया की पारी के बारे में। तो अगर ये वीडियो चोखो लगी हो तो वीडियो लाइक करियो और चैनल ने सब्सक्राइब करियो।